Hi guys, my name is Anuj Jindal. Welcome to this session on data interpretation for UGC NET June 2020. So Shubham sir is not available here. He had some work, therefore he had to move out on an emergency basis. But I'll be taking his place, and today we'll be talking about some questions on data interpretation. So data interpretation ek aisa area hai which has always been jo hamesha hi students ka weak area raha hai, jahan pe hamesha students ko problem rahi hai. तो आज हम स्पेसिफिकली इस एरिया के बारे में ही बात करेंगे और मैं आपसे खाली क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा, मैं खाली आंसर्स नहीं बताऊंगा. आई विल आल्सो बी डिस्कसिंग द वेज टू कवर देम फास्टर, टू आंसर देम फास्टर, और लॉजिकली आप कैसे आंसर कर सकते हैं. अगर आपको फार्मूला नहीं आता है, अगर आपको और सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तब भी आप किस तरह से इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं बहुत आसानी से एग्जाम में, वो चीज़ें हम छोटी छोटी चीजें यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. ठीक है ना, जो भी आपके डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में बताते रहो, जो भी आपके डाउट्स हैं चैट बॉक्स में डालते रहो, उसको मैं क्लैरिफाई करता रहूंगा लिखकर. बट फोकस ये रहेगा कि हम इन क्वेश्चंस को कवर करें. टोटल 6 क्वेश्चन उठाएंगे, 2 डेटा इंटरप्रिटेशन उठाएंगे, 1 परसेंटेज पर होगा और 1 रेशियोज पर होगा. ओके, तो अभी क्या होता है, पहले क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आया करते थे, लेकिन अब डेटा इंटरप्रिटेशन में खाली आपको डेटा इंटरप्रेट नहीं करना होता है, उनको परसेंटेज, रेशियोज, ऐसे कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट करते हैं ये लोग. तो एनटीए क्योंकि थोड़ा सा लेवल बढ़ाने लगा है, और स्टूडेंट्स का स्पेसिफिकली कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स का जो लेवल होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, मैथ्स का, रीजनिंग का, वो थोड़ा कंपैरेटिवली लो होता है. तो समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं है और अगर एनटीए लेवल बढ़ा रहा है, तो आपको भी अपनी प्रिपरेशन बढ़ानी पड़ेगी. ठीक है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑल दो कैलकुलेशन बहुत सिंपल होगी, बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बट एट द सेम टाइम इन क्वेश्चन से आपको बहुत हेल्प मिलेगी एग्जाम में. अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तो बहुत फायदा होगा. तो ब्रीफली बता देता हूँ, एक तो हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हो. द कोर्सेज दैट आई एंड शुभम सर हैव क्रिएटेड अ वेरी वेरी चीप, बहुत ही सस्ते कोर्सेज निकाले हैं बस आपके लिए. तो पेपर 1 के कोर्सेज हैं वेबसाइट पर, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, और दोनों के कंबाइंड कोर्सेज भी हैं. अपने बारे में ब्रीफली बता देता हूँ, आई हैव JRF इन कॉमर्स मैनेजमेंट, इन दोनों सब्जेक्ट्स में मेरे पास JRF है, और रिसेंटली ही मेरे पास एक नेट भी आया है HRM या फिर लेबर वेलफेयर जिसको बोलते हैं उसमें. तो टोटल 3 JRFs और नेट मेरे पास ऑलरेडी हैं, एंड मी एंड शुभम सर हैव बीन हेल्पिंग नेट स्टूडेंट्स फॉर द पास्ट 3 to 4 इयर्स. तो पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, पहला डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि परसेंटेज के बेसिस पे है. तो इसमें आपको देखिए बहुत ईजी सा चार्ट दिया हुआ है, जिसमें बताया हुआ है कोलंबिया के बारे में, नंबर 1 कोलंबिया, नंबर 2 याम हिल, नंबर 3 वॉशिंगटन. दीज आर 3 स्टेट्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA कंट्री जो है उसमें 3 स्टेट्स हैं. 1940, 1970 और 2000, 3 सालों का डेटा दिया हुआ है, और ये पॉपुलेशन है इन स्टेट्स की इन 3 सालों में. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. आपने चार्ट समझ लिया, तो सबसे पहला प्रोसेस आपका होगा कि जो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन का ग्राफ दिया हुआ है उसको समझ लो, उसको ब्रेक डाउन कर लो, अपने दिमाग में बैठा लो. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएस इज 5 टाइम्स, यूएस मतलब पूरा यूनाइटेड स्टेट्स जिसमें कि ये 3 स्टेट्स भी आएंगी. द क्वेश्चन सेज इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएस इज 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 स्टेट्स टुगेदर इन 1940. अब यहाँ पर खाली 1940 की बात हुई है और किसी ईयर की बात नहीं हुई, तो हम पहले खाली 1940 के डेटा को एनालाइज करेंगे. इसमें दिया हुआ है 25,000, 30,000, 75,000, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, सम आएगा 1,30,000. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूएस की जो पॉपुलेशन है वो इट इज 5 टाइम्स द पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 स्टेट्स. तीनों स्टेट्स की पॉपुलेशन क्या है, 1,30,000. आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी सब मिल रहा है, बट मैं आपको समझा देता हूँ. 1,30,000 तीनों की पॉपुलेशन है. यूएस की पॉपुलेशन जो है वो 5 गुना है, 5 टाइम्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 स्टेट्स. तो यूएस की पॉपुलेशन कितनी हो गई, 6,50,000, 6,50,000. 13 × 5 करोगे सीधा, ऐसा नहीं है कि आप 1,30,000 इंटू 5 करके कैलकुलेट करोगे. यू जस्ट डू 13 × 5, 65, एंड देन यू एड 4 जीरोस टू इट. ओके, तो ये हमने निकाल लिया कि यूएस की पॉपुलेशन 1940 में कितनी है. क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ याम हिल. याम हिल की पॉपुलेशन कितनी है, 30,000.
जो हमने पिछले में देखा यहाँ पर, देखो यैम हिल इज इन दिस कलर और इसकी पॉपुलेशन है यहाँ पर 30,000। तो यैम हिल की पॉपुलेशन है 30,000, 30,000 को हमें परसेंटेज टर्म्स में निकालना है आउट ऑफ 6,50,000 इंटू 100। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं, जो टाइम कंज्यूम करवाते हैं अपना, वो ये करते हैं कि इसको कैलकुलेट करना करने बैठ जाते हैं, विच इज वेरी इनकरेक्ट, विच इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? अब आप देखोगे यहाँ पे मिनिमम कितना है, 7.69, ये उससे ज्यादा है, ये 7.69 से ज्यादा है, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमने देख लिया 7.69 या फिर 7% हमारा ये हो गया बेस, ठीक है ना, इसको 8% भी ले सकते हैं, 7% भी ले सकते हैं। तो हम निकालेंगे 6,50,000 का 7% कितना होता है, 6,50,000 का 7%, 1% कितना होगा, 1% निकालने के लिए दो जीरो हटा दो, सिंपली 6,500 हो गया 1% इंटू 7 कर दिया, 7,535, 7,642, 45, 4,550, 45,500 होता है 7%, मतलब 8% 45,500 से ज्यादा होगा, बी भी 45,000 से ज्यादा होगा और सी भी 45,000 से ज्यादा होगा, लेकिन हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 30,000। तो हमने देख लिया कि 30,000 पॉपुलेशन है, मतलब 7% से तो कम है, देयरफॉर द आंसर हैज टू बी नन ऑफ दीस। तो हमें 4.61% निकालने की जरूरत नहीं, हमने टाइम सेव कर लिया, ठीक है, हम डायरेक्टली और भी टाइम सेव कर सकते हैं, 6,500 मतलब 6,000 अप्रॉक्स ले लिया, 7 × 6 तो ब्रेन में कर सकते हो 42, मतलब 42,000 से ज्यादा है ये तीनों परसेंटेजेस ए बी और सी, बट हमारा जो आंसर है वो 30,000 है, मतलब 42,000 से बहुत ही कम है, देयरफॉर हमारा आंसर हो जाता है ए डी नन ऑफ दीज। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन में टाइम सेव कर सकते हो, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं, डेथ रेट इन वॉशिंगटन इन 1969 वॉज 100:5। 1969 में वॉशिंगटन में तो डेथ रेट था 100:5, मतलब पॉपुलेशन 100 थी तो उसमें से 5 मर जाते थे, जो कि 20% से बढ़ गया एपिडेमिक की वजह से, बाय 20%, इट इंक्रीज बाय 20%, मतलब 5 का 20% बढ़ा है, मतलब 5 का 20% कितना होगा, 1, मतलब अब रेशियो कितना हो गया, 100:6। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, ये यहाँ की लैंग्वेज से क्लैरिफाई हो रहा है, अगर ये गलत हो गया तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। What was the difference between the population of Washington and Columbia in 1970? Washington और Columbia की population में क्या फर्क था 1970 में? अब Washington में 1970 में death और birth का ratio कितना था? 100:6। तो Washington पे जाते हैं, Washington is this color, Washington का 1970 में कितना है? 1,25,000। 1,25,000 हमने यहाँ पे लिखा, 1,25,000 1970 की स्टार्टिंग में पॉपुलेशन है, उसमें से 6% मर जाएंगे, 6% कितने होंगे, 6 ऐसे ही निकालेंगे यहाँ पे, 1% हुआ 1,250, ठीक है ना, दो जीरो हटा दिया, 5% कितना होगा, 10% का आता, 10% होगा 12,500, एक जीरो हटाएंगे तो 12,500, 12,500 को आधा किया 6,250, इन दोनों को ऐड किया 7,500, 7,500 हमारी हो गई डेथ रेट इन 1970। तो 1970 के स्टार्टिंग में 1,25,000 थे, उसमें से 7,500 की डेथ हो गई, तो हमारे पास कितने बचे, 1,17,500, 1,17,500 लोग बचे वॉशिंगटन में 1970 में। और दूसरा हमें क्या रेशो बताना है, कोलंबिया, तो कोलंबिया पे जाते हैं, कोलंबिया की पॉपुलेशन कितनी है, 35,000, ठीक है, अब ये हो गया 35,000। अब हमें क्या बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ वॉशिंगटन इन कोलंबिया इन 1970, इसमें से इसको माइनस किया, हमारा आंसर आ जाएगा 82,500। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आपका चेक हो रहा है, आप कितना इजिली लैंग्वेज को समझ के उसको मैथमेटिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं वो यहाँ पर मेजर किया जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सोल्यूशन को मत देखिए, आंसर करने की कोशिश करिएगा। द क्वेश्चन सेज द परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ वॉशिंगटन इज मोर देन दैट ऑफ कोलंबिया एंड यैम हिल इन 1942-2000 पीरियड। मतलब वॉशिंगटन की मान लीजिए एक्स से वाई हो गई, कोलंबिया की ए टू बी हो गई, यैम हिल की सी टू डी हो गई, तो जो इंक्रीज है वॉशिंगटन का वो ज्यादा है इन दोनों को मिलाकर, ठीक है ना, इन दोनों का जो इंक्रीज है वो कम है और वॉशिंगटन का जो इंक्रीज है वो ज्यादा है, दोनों को मिलाकर नहीं लिखा है, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस इन परसेंटेज इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टर्म्स, जितना भी इंक्रीज हुआ है उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में बताना है। तो पहले तो हम इंक्रीज निकाल लेते हैं, यहीं पर निकाल लेते हैं, वी डोंट नीड टू गो बैक।
वॉशिंगटन का निकालेंगे 1942-2000, वॉशिंगटन में 75,000 से इंक्रीज होकर हो गई 2,40,000, तो कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ 2,40,000 माइनस 75,000 है ना, मतलब 1,65,000, और बेस कितना है हमारा 75,000, ये तो हमारा हुआ वॉशिंगटन का इंक्रीज। ठीक है, सेकेंड हमारा इंक्रीज हुआ यामहिल का, यामहिल का हुआ 30,000 से 90,000, मतलब 60,000 इंक्रीज हुआ, और बेस हमारा है हमेशा परसेंटेज इंक्रीज बेस पे निकलता है, ये ध्यान रखना है, मतलब 200% हो गया है, 30,000 इंटू 2 इज 60,000, तो 200% हो गया। और तीसरा है कोलंबिया, कोलंबिया का कितना हुआ 25 से 75, इंक्रीज कितना हुआ 50,000, और बेस कितना है 25,000, तो इंक्रीज कितना हुआ यहाँ पर भी 200%। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये आएगा 220%, मतलब इंक्रीज कितना ज्यादा है 20%, 20% इंक्रीज ज्यादा है वॉशिंगटन का ओवर कोलंबिया एंड यैम हिल बिटवीन 1942-2000, 20% हमने निकाल लिया। अब इसको एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालना है, तो जब हम एब्सोल्यूट टर्म्स में निकालेंगे तो 240,000 जो प्रेजेंट हमारी पॉपुलेशन है उसमें निकालेंगे, क्योंकि अब हम 1970 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द डिफरेंस इन परसेंटेज इंक्रीज इन एब्सोल्यूट टर्म्स फॉर द स्टेट ऑफ वॉशिंगटन, तो वॉशिंगटन में जो भी परसेंटेज हुआ है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना हुआ है, 240,000 का 20% ज्यादा इंक्रीज हुआ है, मतलब टोटल 48,000 ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो आंसर हमारा हो गया ए 48,000। आई होप बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। टेलीग्राम चैनल को या ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिसेंटली अभी कर लीजिए, इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, वहां पर भी रेगुलरली मैं और शुभम से डाउट्स लेते रहते हैं, दे विल हेल्प यू अलॉट इन योर प्रेप। ठीक है, अब रेशो का क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें हमको प्रॉफिट पर शेयर या फिर अर्निंग पर शेयर ईपीएस दिया हुआ है कंपनीज एक्स वाई एंड जेड, तीनों कंपनीज का अर्निंग पर शेयर 1995-96, 96-97, 97-98 एंड 98-99, इन चारों सालों का अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है। इफ द थ्री कंपनीज एक्स वाई एंड जेड हैव 40,000, 35,000 एंड 15,000 शेयर्स, 1995-96 में इतने शेयर्स हैं, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट क्या होता है अर्निंग पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर पे जीरो प्रॉफिट है, एक शेयर पे जीरो प्रॉफिट है, यहां पर एक शेयर पे ₹15 प्रॉफिट है और एक शेयर पे ₹35 प्रॉफिट है। टोटल शेयर्स कितने हैं, टोटल शेयर्स देखते हैं, कंपनी एक्स पे जीरो है, कंपनी एक्स पे 40, 35, 15, यहाँ पे लिख लेते हैं 40,000, 35,000 एंड 15,000। ठीक है, तो हमें मतलब क्या करना है, 35 into 15,000, 15 into 35,000, 0 into 40,000, तो ये तो हो गया जीरो, ये हो गया 5,20,000, आई थिंक, वन सेकेंड, 5,25,000 हमारा ये हो गया, और ये क्योंकि सेम है 15 into 35, यहाँ पे 15 into 35, तो ये भी होगा 5,25,000, तो दोनों ही केसेस में 5,25,000 हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया अर्निंग पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो एक शेयर पे मुझे ₹15 मिल रहे हैं, टोटल मेरे पास 35,000 शेयर हैं, तो टोटल प्रॉफिट मुझे 5,25,000 मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर हो गया विच कंपनी हैज द मैक्सिमम प्रॉफिट, बोथ वाई एंड जेड हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, एक्स का तो प्रॉफिट जीरो है बिकॉज अर्निंग पर शेयर जीरो मिला उसको। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इफ कंपनी जेड हैज 20,000 एंड 18,000 शेयर्स इन 96 एंड 97, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। तो जेड का हमें ईपीएस भी निकालना पड़ेगा, जेड का ईपीएस कितना है, यहाँ पे जाते हैं 96 एंड 97 में, ईपीएस कितना होगा जेड का, Z is this one, तो EPS इसका हो गया ये, EPS कितना हुआ 25 and this is 35, ठीक है, earning per share हमारा आ गया 25 and 35, now you can mention it here 25 and 35, अब ये increase कितना हुआ, ये तो हो गया 5 lakh first वाला, और second वाला हो गया 6,30,000, तो 5 lakh और 6,30,000 increase कितना है 1,30,000 का, upon 5 lakh because the base is 5 lakh here, ये 96-97 है, राइट, एंड दिस इज 97-98, तो ये बेस ईयर है, इसलिए इसको नीचे लेंगे हम लोग डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया हमारा 26%, तो 26% से चेंज हुआ है प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको बेसिक कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता है, आई होप यू अंडरस्टूड, इतनी कैलकुलेशन तो आपको यहाँ पर करनी ही पड़ेगी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं आज के, जो सेम रेशियो से कनेक्टेड है।
The question says, if the expenditure of company Y in 1997-98 is 120% of its profit available to shareholders and the company has 60,000 shares. So, sabse pehle profit nikal lete hain 97-98 mein. Company Y kaun si hai? Company Y is this 97-98. Profit per share 25 into 25. One second. 25 into how many? 25 into 60,000 shares. 60,000 shares हैं, एक शेयर पे 25 रुपए मिल रहे हैं, तो मतलब टोटल 15 लाख उसको प्रॉफिट हुआ. दिस इज प्रॉफिट. एक्सपेंडिचर कितना है कंपनी का? दिस इज प्रॉफिट ऑफ द इंडिविजुअल. इंडिविजुअल मतलब कंपनी वाई में प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी है 60,000 शेयर्स. 60,000 शेयर्स है और प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स जो है वो बताया है. तो प्रॉफिट जो है वो हो गया 15 लाख. उसके साथ एक्सपेंडिचर कितना है? 120%. 120% ऑफ 15 लाख. तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 10% निकाल लो. 15 लाख का 10% 1.5 लाख. 20% उसका डबल होगा 3 लाख. तो मतलब 3 लाख और ऐड कर दिया, राइट? 100% तो 15 लाख है, 3 लाख और ऐड कर दिया, 18 लाख आ गया. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कैलकुलेशन. मैंने क्या किया, 100% तो है 15 लाख, कैलकुलेट नहीं किया. 10% ऐड करना है. 20% को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. 10% होगा 1,50,000. सीधा एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ भी 1,50,000. तो 3 लाख टोटल हमने 15 लाख में ऐड किया, 18 लाख हो गया. 18 लाख इज द एक्सपेंडिचर. इनकम कितनी होती है? इनकम इज प्रॉफिट प्लस एक्सपेंडिचर. इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, उल्टा जा रहे हैं. इनकम विल बी 18 लाख प्लस 15 लाख. तो 33 लाख हमारा हो गया यहाँ पर इनकम. 33 लाख टोटल इनकम है कंपनी वाई की, उसमें से 18 लाख एक्सपेंडिचर. तो प्रॉफिट बचा 15 लाख, जो कि उन्होंने 60,000 शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दिया 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन. आई होप यू लाइक इट. आज हमने DI के कुछ क्वेश्चन उठाए हैं. टुमोरो वील पिकअप सम अदर टॉपिक, बट वील मेक श्योर कि रोज एक लाइव सेशन हो और रोज ही कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिले, सो दैट यू कैन प्रिपेयर बेटर फॉर द अपकमिंग एग्जाम. जून में 2020 में जो एग्जाम होगा उसकी तैयारी अभी से करेंगे, देन यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू यू नो क्रैक JRF इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर. जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या फिर कल जो फिर से लाइव सेशन होगा वहां पर पूछ सकते हैं.